जय श्री राधे मित्रों, जय माता दी मित्रों। चंद्रवन्नी भक्तरा चैनल के माध्यम से मैं पंडित दीपक उपाध्याय देवभूमि उत्तराखंड से ही आपके अपने चैनल चंद्रवन्नी भक्तरा चैनल में आप सभी का स्वागत करता हूं और आद्य शक्ति माँ भगवती से करबद्ध प्रार्थना करता हूं कि माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें, आपके जीवन के समस्त विघ्न बाधाओं का माता रानी हरण करें और आपका जीवन आनंदमयी हो। तो चंद्रवन्नी भक्तरा चैनल के माध्यम से आज का जो हमारा कार्यक्रम होगा, आज का जो वीडियो होगा, वह होगा तुला राशि के जातकों के लिए। तो तुला राशि के जातकों के लिए आज का कार्यक्रम बहुत ही महत्वपूर्ण होने वाला है, क्योंकि आज के कार्यक्रम के माध्यम से हम बात करेंगे तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का यह महीना कैसा रहने वाला है। बात करेंगे करियर की, व्यापार की, शिक्षा की, स्वास्थ्य की और वैवाहिक जीवन की, और वीडियो के अंत में जो है आपको बताएंगे एक सुंदर सा उपाय, जिस उपाय को करके आप इस महीने को आनंददायी बना सकते हैं। तो आप सभी लोग वीडियो में अंतिम तक अवश्य बने रहें, वीडियो को इष्ट मित्रों तक शेयर जरूर करें, जो पहली बार हमसे जुड़ रहे हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाले वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सकें और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सकें। तो अब ज्यादा देर ना करते हुए बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त 2023 का यह महीना कैसा रहेगा। तो आज का जो हमारा यह कार्यक्रम होगा, यह होगा चंद्र कुंडली से यानी कि चंद्र लग्न से आधारित राशिफल। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने का पूर्वार्ध जो हिस्सा होगा, अगस्त महीने का जो पहले का हिस्सा होगा, महीने के जो शुरुआती हफ्ता होगा, तो उस हफ्ते में कुछ परेशानियां और चुनौतियां आपके लिए रहने वाली हैं। इस दौरान आपके ऊपर जो है अचानक से कुछ बड़े खर्चे सामने आते हुए दिख रहे हैं, अचानक से आपके खर्चे बढ़ते हुए दिख रहे हैं, जिसके चलते जो है आपका बजट भी गड़बड़ा सकता है। इस दौरान आपको जो है अपने कार्य क्षेत्र और समाज में स्वजनों और शुभ चिंतकों का संयोग जो है अपेक्षा के अनुरूप नहीं मिल पाएगा, जितना जैसा आप सोच रहे थे वैसा उनका संयोग आपको नहीं मिल पाएगा, जिसके चलते आपका जो मन है वह थोड़ा सा खिन्न होता हुआ दिख रहा है। यदि आप व्यवसाय से जुड़े हैं तुला राशि के जातक, अगर आप कोई व्यापार करते हैं, व्यापार से जुड़े हैं, तो आपको जो है इस दौरान जोखिम भरे निवेश करने से आपको बचना होगा, अन्यथा जो है आपका जो धन है वह कहीं अटक सकता है, इसलिए आपको इस बात का ध्यान रखना है। यदि आप जो है भूमि और भवन के क्रय विक्रय बेचने या खरीदने की योजना अगर आप बना रहे हैं, तो आपको जो है इस दौरान इस समय जो है आपको लिखा पढ़ी करते समय खूब सतर्क रहने की आवश्यकता होगी, खूब सतर्क रह करके आपको जो भी है कागजी कार्रवाई है वह करनी है। इस दौरान आप जो है आपको इस समय जो है आलस्य और अभिमान दोनों से बचने की आवश्यकता रहेगी, आलस्य से भी और अभिमान से भी आपको बचना है। सप्ताह इस महीने का, अगस्त महीने का जो मध्य भाग होगा, तो मध्य भाग में जो है आपको अपने कामकाज की चिंता सताते हुए दिख रही है और जीवन के इस कठिन समय में आपको जो है अपने और पराये की पहचान भी होते हुए दिख रही है। इस समय आप जो है अपने और पराये की पहचान भी कर पाएंगे। आपको जो है अपने इर्द गिर्द रहने वाले सही और गलत दोनों को जानने समझने का मौका भी इस समय मिलता हुआ दिख रहा है और इस दौरान आपके भीतर जो है आपके मन के भीतर आपके मन में विरक्ति की भावना भी आ सकती है और आप जो है भीड़ भाड़ से जो है एकांत जगह पे जाना भी पसंद करेंगे, भीड़ भाड़ से दूर भाग करके एकांत जगह पे जाना आप इस समय पसंद करेंगे। इस दौरान तीर्थ यात्रा भी संभव दिख रही है और अगस्त महीने का उत्तरार्ध जो भाग होगा, उत्तरार्ध भाग जो है आपके लिए राहत भरा रहने वाला है, उत्तरार्ध भाग आपके लिए राहत भरा रहेगा, अच्छा रहने वाला है। इस दौरान जो है परीक्षा प्रतियोगिता में जो जुटे हुए तुला राशि के छात्र हैं, परीक्षा प्रतियोगिता की तैयारी में जो तैयारी में लगे हुए हैं, तो ऐसे जो छात्र हैं, शिक्षार्थी हैं, उन्हें कोई सुसमाचार प्राप्त की योग दिख रहे हैं, अच्छा समाचार आपको इस समय मिलता हुआ दिख रहा है और इस दौरान जो है पैतृक संपत्ति से में जो कोई बाधाएं आ रही थी, पैतृक संपत्ति में कुछ विघ्न बाधाएं आ रही थी, तो वह बाधाएं भी आपकी दूर होते हुए दिख रही है और भूमि भवन से जुड़ी समस्याओं का किसी प्रभावी व्यक्ति के जरिए आपका समाधान भी निकलता हुआ दिख रहा है, किसी प्रभावी व्यक्ति के जरिए जो है आपके भूमि भवन से जो जुड़ी हुई समस्याएं हैं उनका समाधान भी निकलता हुआ दिख रहा है। इस दौरान आप जो है अपनी घरेलू जिम्मेदारियों और परिवार और समाज से जुड़ करके
पूरी तरह से फोकस करेंगे, परिवार से जुड़ के, समाज से जुड़ करके अपने कार्यों पे पूरी तरह से आपका फोकस रहेगा और परिवार की तरफ भी फोकस आपका रहने वाला है। लव पार्टनर की बात करें तो लव पार्टनर के साथ जो है तुला राशि के जातकों का जो लव पार्टनर के साथ में आपकी बेहतर ट्यूनिंग बनी रहेगी, यानी कि लव पार्टनर के साथ जो है अच्छा समय आप व्यतीत करेंगे। कुछ दिक्कतों को यदि इग्नोर कर दें, छोटी मोटी समस्याओं को अगर छोड़ दें, तो आपका दाम्पत्य जीवन भी बहुत ही सुखमय रहने वाला है। अब बात करते हैं तुला राशि के जातकों के लिए अगस्त महीने के उपाय की उपाय आपको क्या करना है जिससे इस अगस्त के महीने को आप आनंददायी बना सके। तो जितने भी तुला राशि के जातक हैं, इस अगस्त के महीने को आनंददायी बनाने के लिए आपको जो है इस अगस्त के महीने में प्रतिदिन माँ भगवती का आपको पूजन करना होगा, दुर्गा देवी का, माँ भगवती का पूजन आपको करना होगा और दुर्गा चालीसा का ही आपको इस सप्ताह, इस हफ्ते, इस महीने जो है अगस्त के महीने में आपको पाठ करना होगा। तो अगर आप यह उपाय करें तो आप इस अगस्त के महीने को अति आनंददायी बना सकते हैं, लाभान्वित बना सकते हैं। तो यह उपाय आपको जरूर से जरूर करना है। तो आज का वीडियो आपको हमारा कैसा लगा कमेंट के माध्यम से जरूर अवगत कराएं। वीडियो अच्छा लगा तो इष्ट मित्रों के साथ शेयर जरूर करें। जो पहली बार हमसे जुड़े हैं हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, बेल आइकन का बटन दबाना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि आगे आने वाली वीडियो समय समय अनुसार आप तक पहुंच सके और आप हमारे वीडियो से लाभान्वित हो सके। तो अब ज्यादा देर न करते हुए आज का वीडियो करते हैं यहीं पे समाप्त। पुनः अगले वीडियो में आपसे मिलते हैं। माँ भगवती आपकी समस्त मनोकामनाओं को पूर्ण करें। जय माता।